पलरी ग्राम में जो आज जल यात्रा कलश यात्रा निकाला गया, मुखिया जी आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? यह जो जल यात्रा जो निकला है बहुत अच्छा है। यह सनातन धर्म का एक प्रतीक है और हमारे समाज में एकता का एक मिसाल है। हर वर्ग के हर जाति के लोग इसमें आते हैं और आकर के अपना योगदान देते हैं और दिए हैं। और यह जो आयोजन जो हो रहा है, सूर्य मंदिर का जो निर्माण हुआ है, यह एक अद्वितीय है। और यह हमारे सूर्य की जो साक्षात भगवान है उनका एक स्वरूप यहाँ आधार यहाँ रखा गया है, जिसको कि हम लोग यहाँ उसी में शामिल हुए हैं, उसी आधार। आप किस पंचायत का मुखिया हैं? अभी तो मैं मुखिया नहीं हूँ, मैं पूर्व में था, लेकिन अब पताड़ी पंचायत का था मैं, अब तो मैं नहीं। ओए चट्टी खोल दे।
सुबह से फोन ही नहीं रहता। Thank you.
क्या कुलना है? कलचा यही गांव से है, यही गांव से। कैमरा लेके करते खत्म नहीं किया है। हाँ यही गांव से लगा था। चलिए बंद करिए। आप लोग पढ़ेरी ग्राम से जल लाने के लिए किस दिन निकले, किस तारीख को निकले थे? शनिवार। कितने लोग निकले थे? 50 लोग थे। कितने लोग? 200 लोग थे। कितने दिन आने में लगा? 7 तारीख को हम लोग निकले। कब यहाँ पहुँचे? 9 सुबह। बहुत मस्त आवाज़ है। Yeah!
अरे वो लड़की हाथ में लिया है, कपड़ा पर रखो।
डायरेक्ट लाइव चला दीजिए टीवी पे लाइव शो महिला का जथा थी 1 लाख नहीं नहीं बहुत सारे और बहुत सारे लोग थे और पुरुष कितने थे 1000 और कहाँ कहाँ से पद यात्रा किस किस गांव से निकले आप लोग टेकारी और मिसवलिया निमिया पहुआरा जिगना पहाड़पुर थैंक यू आपके गांव का ये तीसरा साल
जब शुभारंभ हो रहा है, आज जल यात्रा है, इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल से हमको बताइए। हाँ, तो मेरे यहाँ पड़री पंचायत में मेरे यहाँ जल प्रारंभ हो रहा है और ये हम लोग 1000 महिला की संख्या में हम लोग कलश उठाए हैं। यहाँ से कलश उठाकर हम लोग निमिया और गजानधा, बहुआरा, पहाड़पुर, जिगिना होते हुए पखनारी, टेकारी और पिया नदी में से हम लोग जल उठाए हैं और वहाँ से मतलब पैदल यात्रा करते हुए साबराबाद होते हुए हम लोग पड़री मंडप में आए हैं और हम लोग का बहुत गुलास के साथ मतलब ये है कि हम बहुत परेशान है ये जग से और बहुत खुशी की बात है कि हम लोग के मतलब जेंट्स 500 लोग जेंट्स है, 1000 महिला हम लोग हैं, पान उसमें कंवरिया 500 है, मतलब इसी में हम लोग शामिल हुए हैं। कब से कब तक चलेगा ये? 5 दिन चलेगा हम लोग, 9 से 13। आपका शुभ नाम? रीना देवी मेरा नाम है। आपके गांव पड़री से जल यात्रा में बहुत लोग भाग लिए और यहां हम देख रहे हैं कि प्रसाद का वितरण हो रहा है और आगे के कार्यवाही के बारे में आप थोड़ा बताइए और जो भी डिटेल्स है, कितने कंवरिया बक्सर से पद यात्रा करते हुए जल लाए, कितने महिला कलश उठाई, थोड़ा चैनल के माध्यम से आप बताइए। जी, हम लोग का आज सूर्य मंदिर का आज जल भरी है। आज जल भरे हम लोग हर्षोल्लास के साथ पूरे गांव के साथ साथ पूरे पड़री पंचायत के लोग इतना इकट्ठे हुए हैं कि हम लोग को इतना याद नहीं था। लमसम 1000 जिंस, लमसम 200 कंवरिया बक्सर से जल लेकर आए और जल लेकर हम लोग यहाँ से पड़री से मिश्रवलिया, निमिया, गजानधा, बहुआरा, पहाड़पुर, जिगिना होते हुए पखनारी के टिकारी से चलकर हम पिया घाट नदी में चल लिए और पुनः फिर सबराबाद होते हुए पुनः हम लोग पड़री वापस आए और मंडप में जल रखकर हम लोग देखिए प्रसाद के लिए वितरण कर रहे हैं। सूर्य भगवान का ही प्रसाद है और प्रसाद में बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। हम लोग एकदम, कोई आदमी ऐसा नहीं है कि बगैर प्रसाद लेकर नहीं जाएगा। हाँ, सूर्य भगवान के आस्था में सब लोग। अच्छा, सामने जो मंदिर दिख रहा है उसका प्राण प्रतिष्ठा कब है? ये मंदिर है, ये प्राण प्रतिष्ठा 12 तारीख को होने वाला है। इसमें सूर्य भगवान का भव्य हम लोग मूर्ति बनाए हैं, उसमें गणेश जी हैं, शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं, तमाम देवी देवताओं का यहाँ मंदिर में हम लोग मूर्ति लगाए हैं। 12 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। Thank you.
फैमिली जनता हम लोग स्वच्छ भगवान के बारे में हम लोग पद यात्रा निकाल रहे हैं, जो पगड़ी से चलकर मिसवलिया निमिया गजौंदा बहुआरा पहाड़पुर चिकना होते हुए हम लोग पकनारी होते हुए टिकारी पिया घाट पर जल वहां भरेंगे और उसके बाद हम लोग पगड़ी सूर्य मंदिर में जाकर जल का और यहाँ सूर्य भगवान की दिव्य कृपा है के साथ हम लोग पूरे पूरे दो सौ आदमी आए हैं, उसके बाद 500 रथ लेकर महिला बच्चे जितने हैं सब शोक से कदम चल रहे हैं कलश यात्रा में या हर्षोल्लास के साथ हम लोग मना रहे हैं सूर्य भगवान की जय। जाओगे काम कराते पूछिएगा तुम कहाँ मैं दिलीप कुमार मंदिर के अध्यक्ष ग्राम पड़री से सूर्य मंदिर के अध्यक्ष के पद से बोल रहा हूँ। यहाँ पर पिछले 4 साल से मंदिर का कार्य चल रहा है और आज जो है पूर्ण की स्थिति में है और यहाँ से करीब 200 कांवरिया गंगा जल लेकर बक्सर से आ रहे हैं और यह जल यात्रा हमारी मिसवलिया रमडेरी पड़री होते हुए अरे निमिया गजौंदा बहुआरा जिगना होते हुए टिकारी से पुनः हमारे गांव पड़री आई। कलश यात्रा में लगभग 1000 से ऊपर आदमी होने की संभावना है। हमारे पूरे गांव और हमारे पंचायत पड़री की पूरी सहयोग है और अगल बगल गांव भी हमारे संपर्क में है। मैं शैलेश पटेल जुआ जदू प्रखंड नगर सिसागर हूँ, ऐसे मूल निवासी मेरा पड़री घर है। हमारे मंदिर कमेटी के अध्यक्ष जो है दिलीप बाबू उसके अधीन हम लोग काम करते हैं। 12 बजे कह देंगे पानी में कूदने के लिए, हम लोग पानी में कूदने के लिए तैयार हैं। आज उसी का दिन है कि हम लोग 3 साल में सूर्य मंदिर इतना भव्य मंदिर हम लोग तैयार करके आज जल भरी है और 12 तारीख को हम लोग प्राण प्रतिष्ठा सूर्य भगवान के करने जा रहे हैं। पूरे गाँव नहीं पूरे पंचायत का हम लोग सहयोग है।